और आइए आगे बढ़ रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर वाराणसी से आ रही है, जहां वाराणसी के मंदिरों में साईं की प्रतिमाओं को हटाया जा रहा है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं तस्वीरों के साथ, साईं की प्रतिमाओं को हटाया जा रहा है। बड़ा गणेश मंदिर और पुरुषोत्तम मंदिर से साईं की प्रतिमाओं को हटा दिया गया है, जबकि बाकी मंदिरों से इन प्रतिमाओं को हटाया जा रहा है। दरअसल सनातन रक्षक दल के कार्यकर्ता शहर के मंदिरों से साईं प्रतिमाओं को हटा रहे हैं। बताया जा रहा है कि मंदिर प्रबंधन के सहमति के बाद ही प्रतिमाओं को हटाने का यह कार्य किया जा रहा है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, तस्वीरें भी आपको सीधी दिखा रहे हैं वाराणसी से। वाराणसी के मंदिरों में से साईं जी की प्रतिमा को हटाने का कार्य इस समय चल रहा है, और आप देख सकते हैं ये कार्य जो है हनुमानगढ़ी के महंत राजूदास जी हमारे साथ इस समय फोन लाइन पर मौजूद हैं और बातचीत के लिए सर स्वागत है आपका न्यूज 18 पर। तस्वीरें हम दिखा रहे हैं वाराणसी के मंदिरों से साईं जी की प्रतिमा को हटाया जा रहा है। सबसे पहले जानना चाहेंगे महंत जी, ये इसके पीछे की वजह क्या है? देखिए, पहले तो मैं उन सभी राम भक्तों को, सभी सनातनियों को साधुवाद दूंगा, आभार व्यक्त करूंगा। साईं पीर हो सकते हैं, औलिया हो सकते हैं, संत हो सकते हैं, महापुरुष हो सकते हैं, सिद्ध पुरुष हो सकते हैं, लेकिन उनको देवी देवता की मूर्ति हटाकर उनका प्राण प्रतिष्ठा करना, उनको भगवान के रूप में स्थापित करना, ये कहीं से वेद पुराण शास्त्र उपनिषद के अंतर्गत उचित नहीं है। तो मैं आभार व्यक्त करता हूं उन लोगों का जिन्होंने साईं की मूर्ति को हटाई, प्रतिमा को हटाई, हटाना भी चाहिए था। इस प्रकार से पूज्य जगतगुरु शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज ने आवाज उठाई थी, हमारे पूज्य हनुमानगढ़ी से अखाड़ा प्रसाद के अध्यक्ष पूज्य महंत ज्ञानदास जी महाराज ने आवाज उठाई थी कि कहीं से भी हमारे हनुमान जी की मूर्ति छोटी करके, ठाकुर जी की मूर्ति छोटी करके, दुर्गा जी की मूर्ति छोटी करके और उनको हटा करो साईं की मूर्ति स्थापित कर देना। तो पिक्चरों में रीलों में देखकर ऐसे घृणित कार्य नहीं करना चाहिए। तो जिन्होंने हटाई उनको साधुवाद, और हटना भी चाहिए। राजूदास जी, साईं बाबा को तो हिंदू भी मानते हैं, मतलब मेरा सवाल आपसे आगे रहेगा, सुनिए आगे रहेगा कि क्या ये कहीं किसी विशेष धर्म विशेष की भावनाओं को आहत करने वाला कृत्य तो नहीं है? लेकिन हमारे साथ इस समय फजील साहब जुड़ गए हैं जो कि मुस्लिम स्कॉलर है, एक बार उनसे रिएक्शन ले लेते हैं इसके ऊपर, वो क्या कहते हैं। फजील साहब स्वागत है आपका न्यूज 18 पर। वाराणसी के मंदिरों से साईं जी की प्रतिमा को हटाया जा रहा है, आपका इसके ऊपर क्या रिएक्शन है? देखिए, हमारा देश संविधान का देश है, लेकिन ये लोग सरकार का मिसयूज कर रहे हैं, सरकार के ताकत का गलत फायदा उठा रहे हैं और कहीं भी 100-150 ग्रुप बना के हिंदू रक्षा दल बना लेते हैं, सनातन रक्षा दल बना कर और कहीं भी कुछ करने लगते हैं। अब वो तो मंदिर से इतने साल से लगी जो भी है, ये कभी चर्चों पर हमला करने लगते हैं, कभी गुरुद्वारा पे हमला करने लगते हैं। अब वो हटाना, अगर उनको हटाना ही है तो एक कानूनी तरीके से भी हटा सकते हैं ना, लेकिन कोई भी आदमी 100 आदमी इकट्ठा होकर के और सनातन धर्म रक्षा दल बना लिया और जाकर के किसी पुजारी को मारने पीटने लगते हैं। ठीक है राजूदास जी, राजूदास जी मेरा आपसे एक सवाल ही रहेगा कि हिंदू धर्म में भी लोग साईं जी को पूजते हैं, मानते हैं, क्या आपको नहीं लगता कि इस कृत्य से कहीं ना कहीं उनकी भावनाओं को भी आहत पहुंचाने वाला ये कृत्य हो सकता है? मेरी बात तो सुने, मैंने क्या कहा, साईं ओलिया हो सकते हैं, पीर हो सकते हैं, महापुरुष हो सकते हैं, संत पुरुष हो सकते हैं, लेकिन भगवान नहीं हो सकते। तो आप भगवान के रूप में वहां से देवी देवता को छोटे कर दो, हटा दो, इस प्रकार से करो तो अच्छी बात नहीं है। जिनकी आस्था है करो, हम किसी की आस्था को रोकने जा रहे हैं क्या? भाई हमारा भाव था, हम हटा रहे हैं। इसके लिए कानूनी प्रक्रिया भी तो हो सकती है ना, आप जाके झुंड बना करके आप पूजा करो ना, तुम पूजा करो ना, तुम क्यों नहीं पूजा करते? तुम अपने घर में स्थापित कर लो, भी तो हट सकता है। तुम अपने घर में स्थापित कर लो ना, तुम अपने घर में स्थापित कर लो। हम ये जानना चाहते हैं राजू जी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि अल्लाह के बिना तुम किसकी पूजा करते हो? मैं पूछना चाहता हूँ मोहम्मद साहब के अलावा किसी को मानते हो? हिंदू धर्म में ही कितने संप्रदाय हैं? मोहम्मद साहब के अलावा दक्षिण भारत में अलग है, उत्तर भारत में अलग है। अब भगवान मानकर थोड़े पूजा चलेंगे, वो कहेंगे हम चलेंगे। भगवान मान के पूजा होती क्या? भगवान मान के पूजा होती क्या जाम मियाँ की? नहीं, भगवान मान के पूजा होती है। 31 करोड़ देवी, भगवान
भगवान मान के पूजा होती है, ठीक है। देखिए कोई भी चीज एक लीगल प्रक्रिया से होनी चाहिए, गुंडागर्दी से नहीं होना चाहिए। फजील साहब और राजूदास जी आप दोनों हमारे साथ बने रहिए। इस समय हमारे सहयोगी उपेंद्र इस समय लाइव मौजूद हैं, जो यहाँ हमें लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं इस समय वाराणसी से, जहां पर हम दिखा सकते हैं कि सनातन रक्षक दल के कार्यकर्ता जो है वो शहर के मंदिरों से साई प्रतिमाओं को हटवा रहे हैं। उपेंद्र तस्वीरें हम दिखा रहे हैं यहाँ, और हमारे साथ लाइव फोन लाइन पर राजूदास जी, फजल साहब भी मौजूद हैं, जो अपनी अपनी तरफ से इसके ऊपर रिएक्शन दे रहे हैं। आप मंदिर के अंदर की तस्वीरें दिखाइए और किस तरीके से साई की प्रतिमाओं को हटाने का यहाँ से काम चल रहा है, विस्तार से इस पर जानकारी दीजिए। देखिए मैं इस वक्त बड़ा गणेश मंदिर पर हूँ, लोहटिया बड़ा गणेश मंदिर पर। फिलहाल अभी फाटक जैसे कि मंदिर में अंदर पूजा हो रही है तो इसलिए फाटक बंद है। ये बड़ा मंदिर है, ऐतिहासिक मंदिर है, काशी के जो है लोग इसका महत्व जानते हैं। यहाँ पर हर रोज लाखों की संख्या में, बुधवार को तो भीड़ होती है। इसी मंदिर के ये पीछे के हिस्से पर ये जो मंदिर है मुख्य मंदिर, यहाँ पर तमाम सारे जो है देवी देवताएं थे। ये देखिए यहाँ पर आनंदेश्वर मंदिर है, जहाँ पर आप देखिए पूजा करते हुए लोग दिखाई दे रहे होंगे। ये वो जगह थी जहां पर साईं की प्रतिमा थी, जिसको अब हटा दिया गया है। तो इसी मंदिर से ये पूरा जो विवाद है वो शुरू हुआ है, और ये आनंदेश्वर मंदिर है जहां पर, और ये देखिए यहां पर गणेश के दूसरे रूप है, भगवान गणेश के दूसरे रूप है, और ऐसे ही आपको तमाम सारे मंदिर दिखेंगे। यहां हनुमान जी का मंदिर है। तो विरोध इस बात का था कि अलग से मंदिर हो सकता है साईं का, लेकिन जो सनातन धर्म के मंदिर है वहां देवताओं के बराबर साईं को क्यों बैठाया गया, इस बात को लेकर जो है विरोध है। अब विरोध क्या है ये हम सीधे जो यहाँ के पुजारी हैं उनसे जान लेते हैं, उनकी बात सुन लेते हैं कि आखिर ये विरोध क्यों है। जैसा कि राजू दास जी भी कह रहे थे कि क्यों अलग से मंदिर बनवा दिए, गुरु जी अयोध्या के संत भी कह रहे हैं कि अलग से मंदिर हो सकता है, साईं का मंदिर भगवान के साथ क्यों? आप लोगों का चूंकि मंदिर है, आप यहाँ के पुजारी हैं, तो क्या है इसके पीछे तर्क? सही बात उन्होंने कहा कि जो है कि उनका अलग होना चाहिए, क्योंकि उनको भी मानने वाले, क्योंकि ये आस्था से जुड़ा हुआ सवाल है। काशी में साईं कब आए? साईं हमारे यहाँ सन 13 में, 2013 में आए जी, जी। और उसके बाद एक ऐसी पीक लहर बनी कि हर जगह गली चौराहे और छोटे मोटे मंदिरों में इनकी स्थापना लोगों ने, उनके भक्तों ने करना चालू कर दी। ये बड़ा लोहटिया बड़ा गणेश मंदिर है लोहटिया का, यहाँ पर साईं मंदिर कब बना? यह आया है 2013 में। अच्छा, कैसे इसकी स्थापना हुई यहाँ पर? यहाँ पर यहाँ के भक्त जो है वहाँ के भी भक्त हुआ करते थे, जाते थे, और उनकी यह मन में इच्छा हुई कि हम वहाँ ना जा करके हम यहीं ही जो है उनके दर्शन करेंगे और लोगों को इसे दर्शन से लाभ मिलेगा, उसी के उद्देश्य से उन्होंने यहाँ की स्थापना की। लेकिन उनको भी इस चीज़ की जानकारी नहीं थी स्थापना करने वालों को, कि मतलब इस प्रकार का कोई विवाद या इस प्रकार का कोई जो है कारण हो सकता है। उपेंद्र आपसे आप एक जानकारी लेना चाहेंगे, जो अभी शहर के अंदर जिस तरह से साईं जी की प्रतिमाओं को हटाने का काम चल रहा है, ये मूर्तियां यहां से हटकर कहां ले जाई जा रही है, आप ये भी इनसे पूछिए। हाँ गुरु जी ये बताइए कि चूंकि मूर्ति हट गई, अभी अन्य मंदिरों में भी आप लोगों की वो है, तो फिलहाल ये मूर्तियां कहाँ ले जाई जा रही है? अब यह एक सनातन रक्षक दल है जिसके अजय शर्मा जी अध्यक्ष हैं, प्रदेश अध्यक्ष वही। उपेंद्र लौटेंगे आपके पास, अजय शर्मा हमारे साथ इस समय मौजूद हैं, जो इस समय मूर्ति हटाई जा रही है वाराणसी में मंदिरों से, उसके ऊपर और जानकारी देंगे। सर स्वागत है आपका न्यूज 18 पर। अजय जी मूर्ति हटाने का कार्यक्रम इस समय चल रहा है, तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं, लाइव तस्वीरें हम वाराणसी से इस समय दिखा रहे हैं, मंदिर के पुजारी से भी हम बात कर रहे हैं। आपसे ये जानना चाहेंगे कि आज ये कार्य पूरे वाराणसी के पूरे शहर के मंदिरों से संपन्न किया जाएगा साईं जी की मूर्ति हटाने का, और मूर्ति हटाने के बाद आप कहाँ लेके जा रहे हैं, कहाँ रख रहे हैं? जितने भी काशी खंड के मंदिर है उन मंदिरों में साईं की क्या हो सकता है, जब 37 कोटि देवी देवता हमारे काशी में विद्यमान है भगवान शंकर के साथ आकर के, तो हमें चांद मियां और साईं की क्या हो सकता है। जब उनके ट्रस्ट ने स्वयं माना है कि वो मुस्लिम है और वो राम को नहीं मानते, शिव को नहीं मानते, तो ऐसे लोगों की हमें क्या हो सकता है। अगर किसी को पूजना है तो व्यक्तिगत अपने घर में पूजे, मतलब अपने, राम के मंदिर में सिर्फ राम ही होंगे। साहब हमारे साथ इस समय फोन लाइन पर मौजूद है, आजीत जी आपको सुन रहे हैं वो। साहब इस पर आप हेलो। हाँ जी बताइए। पंचदेवों में हमारे भगवान राम भी आते हैं, तो भगवान राम पंचदेव में आते हैं, पंचमूर्तियां हमारी पंचदेवों की होगी। उसके अतिरिक्त हमारे यहाँ प्रेत पूजा मान्य नहीं है सनातन में। अगर कोई मुझे दिखाता है कि प्रेत पूजा मान्य है तो हम आपका स्वागत करते हैं। अजय जी अभी मंदिर के पुजारी बता रहे थे कि साईं जी की मूर्ति इस मंदिर में 2013 में आई थी,
अब 2024 यानी कि आप कह सकते हैं लगभग 11 साल के बाद, ये 11 साल के बाद, मैं 11 साल से मैं उनको 10 साल से मैं स्वयं उनको समझा रहा हूँ। इसके बाद रमलीन स्वरूपानंद जी ने 4 साल पहले 5 साल पहले जब साईं के बारे में सबको पता चल गया कि ये मुस्लिम है, और साईं ट्रस्ट ने स्वयं जो है मुंबई में हाई कोर्ट में जब दे दिया था अपना जो है एफिडेविट, उसके बाद ही ना सबको पता चला। उसके पहले ये हमारा सनातन धर्म है, सबका स्वागत करता है, सबका सम्मान करता है। आज भी मैं उनका सम्मान नहीं कर रहा हूँ, उनको विसर्जन करवा रहा हूँ, उनका उनको मूर्ति तोड़ करके जो है गिट्टी नहीं बना रहा हूँ जी। ठीक है फाजिल साहब, इतने ही चांद है, आप अपना मंदिर स्वयं बनाओ, उस मंदिर में चांद मियां और साईं की पूजा करो, मैं कहां मना कर रहा हूं। ठीक है फाजिल जी भी हमारे साथ है, एक हमारे साथ साईं भक्त भी जुड़ गए हैं फोन लाइन पर, साईं अरोड़ा जी। सचिन अरोड़ा बोल रहा हूं। जी जी सचिन अरोड़ा जी, आप आपसे इसके ऊपर एक रिएक्शन लेना जरूरी है क्योंकि आप साईं भक्त है, वाराणसी में साईं जी की मूर्तियां हटाई जा रही है कई सालों के बाद, ये फैसला अचानक से लिया गया है, इस पर क्या कहना है आपका? मैडम कहना कुछ भी नहीं है, देखो साईं भक्त हमेशा साईं के बिल्कुल पूरी तरह से भक्त हैं, किसी के हटाने ना हटाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारी आस्था पूरी तरीके से साईं बाबा के साथ है। भैया अरोड़ा जी मैं साईं का विरोधी नहीं हूँ, मैं उनका असम्मान भी नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि साईं की पूजा आप अपने घर में करो, अपने व्यक्तिगत मंदिर में करो, भगवान शंकर के ऊपर तो नहीं ना करोगे आप उनकी पूजा, तो भगवान तो राम के ऊपर नहीं ना करोगे? ये तो हमारी आस्था है ना, आप हमको, हम आपसे बोलेंगे आप शंकर जी की पूजा आप अपने मंदिर में ही करिए, अपने घर में मत करिए। अरे तो हम अपने मंदिर में ही, अपने अपने मंदिर में ही हम साईं की मूर्ति हटा रहे हैं, आपके मंदिर में जाके नहीं हटा रहे हैं। ये तो आपका कहीं से भी, ये तो गलत कदम है आपका, आप किसी की मूर्ति थोड़ी रखता है, हमारे साईं बाबा मंदिर में भोलेनाथ की भी हम पूजा करते हैं। अरे तो हम सनातन धर्मी अपने यहाँ, हमारे सनातन शास्त्र में प्रेत पूजा मान्य नहीं है। ये कहाँ से प्रेत पूजा, ये आपको किसने दे दिया है कि प्रेत पूजा है? ठीक है ऐसा है कि आप बहुत शुक्रिया अजय शर्मा जी, आपका भी बहुत शुक्रिया। इस समय वाराणसी से तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को, साईं जी की मूर्ति हटाई जा